मारेगांव के विविध कार्यकारी सहकारी सोसाइटी पर पिछले लगभग 40 वर्षों से एक पैनल का वर्चस्व था, मगर इस वर्ष के चुनाव में किस पैनल ने बहुमत के साथ एक बहुत बड़ी जीत हासिल की, देखते इस खबर में। पिछले लगभग 40 वर्षों से एक हाथ में सत्ता रहे मारेगांव के विविध कार्यकारी सहकारी सोसाइटी पर इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वहीं बीते 17 अप्रैल को हुए चुनाव में संजय देरकर, गजानन किनेकर, गौरीशंकर खुराना गढ़ के शेतकरी परिवर्तन पैनल के 13 उम्मीदवारों ने बहुमत से भारी जीत हासिल की। लगभग 15 गांव का समावेश रहे तहसील की सबसे बड़ी करोड़ों रुपए की व्यवहार करने वाली मारेगांव के विविध कार्यकारी संस्था के 13 प्रतिनिधियों की 17 अप्रैल को जिला परिषद स्कूल में सार्वजनिक चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हुई, जिसमें 1475 सभासद मतदारों में से 1103 सभासद मतदारों ने मतदान किया। गौरतलब इस सोसाइटी पर पिछले लगभग 40 वर्षों से नरेंद्र पाटिल ठाकरीगढ़ के पैनल का वर्चस्व था, मगर इस वर्ष मारेगांव सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और संजय देरकर, गजानन किनेकर, गौरीशंकर खुराना गढ़ के शेतकरी परिवर्तन पैनल के 13 उम्मीदवारों ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। इस चुनाव में सुनीता तुलसीराम मस्की, मनीषा मारुति टोंगे, काशीनाथ श्यामराव खड़से, प्रवीण अशोक बर्डे, दामोदर लक्ष्मण किनाके, प्रवीण साईबाबा बोबड़े, दिवाकर महादेव डुकरे, सुनील पतिराम गायकवाड़, गजानन पांडुरंग घोटेकर, गजानन मारुतराव किनेकर, रविंद्र वसंतराव पोटे, चेतन बाबाराव पारखी, प्रवीण तोड़ू शेंडे, शेतकरी परिवर्तन पैनल के 13 उम्मीदवारों ने भारी जीत हासिल की। वहीं चुनाव के निर्णय के पश्चात एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में विजयी उम्मीदवारों के साथ में उनके समर्थक शामिल हुए। साथ ही इस दौरान सिटी न्यूज के विशेष प्रतिनिधि दिलदार सिंह के साथ बातचीत करते हुए संजय भाव देरकर के साथ गजानन भाव किनेकर ने इस जीत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, या ठिकाणी शेतकरी परिवर्तन पॅनलच्या वतीनं निराई उमेदवार या ठिकाणी उभे केले होते। सर्व सहकाऱ्यांनी या ठिकाणी मेहनत घेऊन या परिवर्तन पॅनलला निवडून दिलं, याबद्दल मी सर्व सभासदांचं आणि सर्व कार्यकर्त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो, आभार मानतो। कारण तर काहीतरी या ठिकाणी नवीन करायचं होतं, या सोसायटीमध्ये नवीन योजना आणायसाठी गेल्या कित्येक वर्षापासून ही सोसायटी पुणे एका ताब्यात होती आणि त्यात काहीच परिवर्तन नव्हतं, काही डेव्हलपमेंट नव्हतं आणि काहीतरी डेव्हलपमेंट नवीन नवीन शेतकऱ्यांना नवीन नवीन योजना या माध्यमातून देण्याकरिता आम्ही या सर्व संचालक मंडळांना घेऊन या नवीन योजनेचा शुभारंभ या लवकरात लवकर सर्व सीटीव्ही के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि दिलदार सिंह की रिपोर्ट।